आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो हमें स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। यानी कि जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार है, ये वृत्त का केंद्र है ओ, या हमने कोई पॉइंट मान लिया है पी, तो इससे इस पर क्या स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो यहाँ से ये वाला जो कोण होगा, ये इस पर लंब समद्विभाजक होंगे, तो ये हमने ए मान लिया, ये हमने पी मान लिया, और ये इसकी रेडियस है आर। तो यहाँ से जो ओ ए है वो किसके इक्वल है, ओ बी के, और किसके इक्वल है 7 सेंटीमीटर के, और हमें दे रखा है जो बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर दूर स्थित है, यानी जो ओ पी डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब हमें यदि हम बात करें त्रिभुज ओ ए पी की, तो त्रिभुज ओ ए पी में जो कोण ए है वो 90 डिग्री है, कोण ए इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री, तो ये होगा एक समकोण त्रिभुज, तो जो समकोण त्रिभुज में एक हमारे पास कंडीशन होती है कि लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से जो ओ ए स्क्वायर है प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर आ जाएगा, तो हमें ओ ए स्क्वायर कितना दे रखा है, जो आर के बराबर है, वो आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर, प्लस हमें ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर हमें कितना दे रखा है वो हमको ज्ञात करना है, और वो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी ये वाली डिस्टेंस, और ओ पी डिस्टेंस हमको कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो ए पी स्क्वायर है वो आ गया 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से जो ए पी स्क्वायर है वो आ गया 576 के इक्वल, यहाँ से तो ए पी कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।